हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और मैं उसमें आपको करवा रही हूँ 16 महाजनपदों के बारे में आपको पढ़ा रही थी। तो इससे पहले हमारी दो क्लास इस टॉपिक के ऊपर हो चुकी है, ये हमारी है लास्ट क्लास आज की। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, और ये क्लास आपके एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस लगातार आपके लिए आती हैं एंड आप यहाँ से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ, नोट्स वगैरह, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ये हमारा ऐप है आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, इसको आप जरूर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखिएगा। यहाँ पर आपको मिलती है खूब सारी स्टडी मटेरियल, खूब सारी पीडीएफ्स और आपके लिए खूब सारे टेस्ट सीरीज। ठीक है, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सभी की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है हमारे ऐप पर। और जितने भी होते हैं एग्जाम्स आपके, उन सभी के लिए आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। देखिएगा, मैं आपको 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा रही थी। उनमें से सबसे जो सर्वशक्तिशाली था वो कौन था? मगध। तो मैंने आपको इतनी क्लासेस पढ़ा दी हैं, इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले की क्लास में है आपके, इससे पहले की क्वेश्चन यानी 27 क्वेश्चन आपके तो उसमें मिल जाएंगे दो क्लासों में। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यानी 483 ईस्वी में आप कौन क्या हुई? प्रथम बौद्ध संगीति हुई। किसके शासनकाल में हुई? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर घनानंद। प्रथम किसके में होती है? आपकी अजातशत्रु के में। कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी कहाँ हुआ था? राजगृह या पाटलिपुत्र या वैशाली या फिर कुंडलवन। कहाँ पर? राजगृह, वैशाली। आपका राजगृह में हुआ था। ग्रीवरज या फिर वसुमती इसका नाम है। आगे बढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, यानी उसका चेयरमैन कौन था? क्या पूछ रहा है आपसे? चेयरमैन बताइए, महाकश्यप, सावक मीर या मौलीपुत्र तिस्स या फिर वसुमित्र। कौन था चेयरमैन? आपकी प्रथम बौद्ध संगीति का महाकश्यप बने थे, सेकंड के सावक मीर बने थे, और थर्ड के आपके मौलीपुत्र तिस्स बने थे, और फोर्थ के आपके बने थे वसुमित्र। ठीक है, यह होता है अजातशत्रु के टाइम पर, आपकी ये होती है कालाशोक के पे, ये होती है आपके अशोक के, और फोर्थ आपकी होती है कुंडलवन में, आपकी वसुमित्र होती है, और ये होती है कनिष्क के टाइम पर। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार या महापद्मनंद ने? किसने मिलाया था? इसकी पहली ही विजय क्या थी? पहली ही विजय क्या थी? पहली विजय क्या थी? कलिंग को इसने जीतकर अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मिला लिया था। जब से उसको किसकी उपाधि मिली? एक राठ की इसको उपाधि मिली महापद्मनंद को। किसको? महापद्मनंद को एक राठ की उपाधि मिली, और इसको एक उपाधि और मिली है, वो है सर्वक्षत्रांतक। क्या तो होता है सर्वक्षत्रांतक का?
छत्रियों का नाश करने वाला इसको क्यों मिली ये उपाधि? क्योंकि इसने इसको ना दुश्मनी टाइप की थी, किससे? क्षत्रिय लोगों से। तो इसने एक भी क्षत्रिय को नहीं छोड़ा, जहां जहां इसको दिखा उसने क्षत्रियों को मार डाला, है ना। इसलिए इसने क्या उपाधि हासिल कर ली? सर्व क्षत्रांतक की उपाधि हासिल कर ली, क्योंकि उससे क्या थी, इसको दुश्मनी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन महापद्मनंद, धनानंद, या फिर सुकल्प, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। कौन था ये? नंद वंश का संस्थापक कौन था पूछा जाए आपसे, तो वो कौन होगा? महापद्मनंद। ठीक है, और हम इस वंश को, इस जो वंश है आपका नंद वंश, इसको हम नवनंद भी हम कहेंगे। क्या कहेंगे? नवनंद हम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि महापद्मनंद के कितने पुत्र हुए? 8 पुत्र हुए, सभी ने शासक किया। सबसे अंतिम जो शासक था उसका सबसे आखिरी पुत्र धनानंद ने किया था, सबसे अंतिम में। तो यही क्या था, सबसे अंतिम आपका कौन सा? 8वें नंबर का पुत्र ये था, और नवा ये स्वयं था। नवा ये यानी प्रथम यही होगा, नवा कौन था? धनानंद था। ठीक है, तो इसलिए 9 शासकों के शासन करने के कारण इसको क्या कहा गया? नवनंद कहा गया। क्या कहा गया? नवनंद इसको कहा गया। ठीक है, और इसी के टाइम पर, ये सिकंदर के समकालीन था, सिकंदर ने इसी के टाइम पर आक्रमण किया था, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि धनानंद के पास क्या थी? खूब सारी सेना थी, खूब सारे हाथी थे, इसीलिए। ठीक है, जो कि हम कल पढ़ेंगे, प्रथम विदेशी आक्रमण। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया था? पाटलिपुत्र यानी कि आपके पटना शहर को किसने, स्थापना ही किसने की थी, स्थापना किसने की थी, बसाया था यानी बनाया था, स्थापना? शिशुनाग, बिम्बिसार, अजातशत्रु, या फिर उदयन ने, किसने की थी? उदयन है ये। ठीक है, उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को बसाया, उसकी स्थापना की, और उसी को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि इससे पहले बिंबिसार आया, उसका पुत्र आया अजातशत्रु, फिर इसका पुत्र आया उदयन, इसका पुत्र आया उदयन। तो उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इससे पहले क्या थी राजधानी, बताएंगे तो क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, बुद्ध के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जीवक। देखिएगा, जो बिंबिसार यानी आपके हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। अब उसे जो वास्तविकता में उसकी दुश्मनी थी ना, वो किससे थी? वो अवंतिका से थी, अवंती, उज्जैन आपकी अवंती। ठीक है, अवंती से थी। अब उसने क्या किया? आक्रमण कर दिया। किस पर? अवंती पर। लेकिन वो विजय नहीं उसने प्राप्त की, तो उन्होंने क्या समझा? उन्होंने दोस्त बनना, मित्र बनना उन्होंने सही समझा, कि हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, कौन था वहां का राजा? चंड प्रदोत। कौन था? चंड प्रदोत। अब क्या हुआ, चंड प्रदोत को एक बार क्या हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको क्या हो गया? पीलिया हो गया था, पीलिया रोग उसको हो गया था, किसको? चंड प्रदोत ने।
क्या हुआ, चंड प्रदोत ने, तो अब जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने क्या किया, जो अपना एक राज्य वैद्य था उसका नाम क्या था, जीवक था, इसी को किसके पास भेजा था, चंड प्रदोत के पास भेजा था, और फिर उसने अपनी आधीनता स्वीकार कर ली थी बिंबिसार ने, यानी मगध ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस मगध शासक को, किस श्रोणी, श्रोणिम के नाम से जाना जाता है, बिम्बिसार, अजातशत्रु, मापद्मनंद या चंद्रगुप्त मौर्य, किसको जाना जाता है, बिम्बिसार को, जैन ग्रंथों में कहा गया है। श्रोणिक कहा गया है जैन ग्रंथों में इसको, बिंबिसार को। ठीक है, इसने अपना साम्राज्य किस तरीके से फैलाया था, विवाह करके। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का, जो इसमें से 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद का क्या नाम है, मत्स्य महाजनपद, जो कि आपका कहाँ पर है बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या फिर रोहिलखंड, कहाँ पर है, राजस्थान में है, जो कि एक महाजनपद आपका कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। आठ सबसे ज्यादा कहाँ पर है आपके, उत्तर प्रदेश। तीन आपके बिहार, एक आपका एमपी में, जो कि अवंती मैंने आपको पढ़ाया है ना, एक आपका कहाँ है, एमपी में है, और एक आपका कहाँ पर है, आपके दक्षिण भारत में, और दो आपके कहाँ पर हैं, भारत के बाहर, गांधार कंबोज, भारत के बाहर। ऐसे आपको कितनी जल्दी याद होंगे ये 16 महाजनपद, जैसे एक आपका राजस्थान में हो गया है ना, आपका मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी, ये राजधानी बता रही हूँ मैं, इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर, जो कि कहाँ है, जयपुर, राजस्थान, जयपुर। ठीक है, और आठ आपके उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा पूछा जाए आपके महाजनपद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद तीन आपके बिहार में, एमपी में एक, दक्षिण भारत में एक, और आपके भारत के बाहर दो, यानी अखंड भारत तक ये फैला हुआ था। आगे बढ़ेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था, सिंधु और झेलम, झेलम और रावी, या व्यास और सिंधु, या सतलज और सिंधु, कौन सी थी, सिंधु और झेलम के बीच था आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, और जो आपका गांधार है, गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी है तक्षशिला, पाकिस्तान की। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महान राज्यों, 16 महाजनपद, यानी आपके 16 महाजनपद की सूची मिलती है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने, अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीघा निकाय या भगवती सूत्र, अपन पहले यही निशान लगा लेते हैं, हमें कहाँ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से, ये है आपका बौद्ध ग्रंथ, और ये है आपका जैन ग्रंथ। ठीक है, ये आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, तो हमें इन दोनों से क्या, 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब दो और चार देखेंगे, दो और चार कहाँ है, ये रहा दो और चार, क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तत्व है? यानी आपको तीन नाम दिए गए हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, इनमें क्या समानता है बताइएगा। स्थविरवादियों का पाली सिद्धांत यह भी वहां संकलित किया गया था, या फिर अशोक के प्रमुख शिलालेख हमें वहां मिले, या स्थान वह स्थान जहां बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थीं, या फिर महासंघिकों के बौद्ध सिद्धांतों के संकलन से जुड़े स्थान है ये। यह वह स्थान है यहाँ पर क्या हुई थी, बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद या सम्मेलन स्थापित आयोजित किए गए थे। आपके राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, और दूसरी वैशाली में 383 में, और पाटलिपुत्र में आपकी तीसरी हुई थी, ठीक है, 250 में। चलिए, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से किस काल में क्षत्रियों को एक विशिष्ट पहचान थी, क्षत्रियों की एक विशिष्ट पहचान थी? बुद्ध के युग में मिली, या मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, या गुप्त काल? कब मिलती है इनको पहचान? बुद्ध के युग में इनको एक पहचान अपनी मिलती है। बिंबिसार किसके समकालीन था? वो भी क्षत्रिय था। किसके समकालीन था? बौद्ध के, ठीक है, लेकिन वो अनुयायी था, जैन धर्म का था। आगे बढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का पहला राजा था, कौन था? बिंबिसार, प्रसन्नजीत, अजातशत्रु या जरासन? कौन था? बिंबिसार, ठीक है। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी, पाटलिपुत्र, राजगिरी, या वैशाली, या बनारस? सबसे प्रारंभिक क्या थी, राजगिरी या फिर ग्रीवरज? चलिएगा आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। तो अपनी सर्वप्रथम राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया? उदयन ने बनाया। चलिएगा आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? उदयन ने बनाई अपनी राजधानी राजगीर से आपकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से वैशाली कौन बनाता है? आपका शिशुनाग। शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक, शासन करता है कालाशोक, फिर इसको क्या कर देता है, पाटलिपुत्र कर देता है। उसके बाद से मगध की राजधानी चेंज नहीं हुई, तब से पाटलिपुत्र ही रही। किसे अक्सर दूसरे परशुराम या फिर संपूर्ण क्षत्रिय जाति के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है? अजातशत्रु, महापद्मनंद, या फिर धनानंद, या प्रद्योत को? किसको किया गया है? महापद्मनंद को, सर्वक्षत्रांतक की उपाधि इसको मिली है। क्षत्रिय जाति का विनाश सबसे ज्यादा इसी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एकराट, यानी एक मात्र संप्रभु, या भारत का पहला शाही शासक होने का दावा करता था? महापद्मनंद, अजातशत्रु, उदयन या फिर धनानंद? कौन? पद्मनंद, ठीक है, कौन? महापद्मनंद, ठीक है। नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद, धनानंद, अशोकनंद या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन थे? महापद्मनंद संस्थापक, और अंतिम था धनानंद। अगला क्वेश्चन। बिंबिसार के इन सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे सिवाय अंग कौशल, वैशाली या फिर मद्रा? अंग अंग के साथ इसकी दुश्मनी थी, और अंग के राजा शासक ब्रह्मदत्त को इसने हराया,
इसने हराया और अंग को अपने मगध में शामिल कर लिया। अंग को क्या किया? अपने में शामिल कर लिया। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन भारत में भारत का प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। गांधार, कंबोज, काशी या फिर मगध? कौन था? मगध। ठीक है, हम मगध के बारे में इतनी देर से पढ़ रहे थे। कौन था 16 महाजनपदों में से सबसे अगर ज्यादा शक्तिशाली कौन था? वो था मगध। ठीक है, कौन? मगध। ठीक है, तो आज ये आपका 16 महाजनपद ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मगध आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस पूछती है एसएससी, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं 3 क्लास में। तो अब हम पढ़ेंगे कल से प्रथम विदेशी आक्रमण। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम बिल्कुल पढ़ते जा रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की क्लास कैसी लगी जरूर से आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।